हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लड्डू गोपाल लाइव पे। यहाँ पर देखिए, आज कान्हा जी के लिए हम ये वाली ड्रेस बनाएंगे, जो बहुत ही इजी तरीके से इसको बनाना बताया हुआ है मैंने यहाँ पर, और बहुत ही इजी है इसको बनाना। अगर आप बिगिनर भी हैं तो भी आप इसे बहुत ही अच्छे से इसे बना लेंगे। ये देखिए, इसे हम ऐसे ला करके नीचे से यहाँ पर बांध देंगे तो ये हमारा नेपी का भी काम करेगी, और फिर यहाँ पर ये क्रास में ले जा करके इसे हो, आप आगे भी इसको बांध सकते हैं, लेकिन जितना अच्छा पीछे क्रास करके बांधने पे इसका फिटिंग आती है, अच्छे से दिखता है, तो इसीलिए मैं पीछे ले जा करके इसके बांध दी हूँ। देख लीजिए यहाँ पर कितना सुंदर लग रहा है ये ड्रेस, तो आप भी बनाइएगा और अपने कान्हा को पहनाइएगा। बहुत ही सुंदर और बहुत ईजी ड्रेस है, गर्मियों के लिए काफ़ी कम्फर्टेबल ड्रेस है, और ये मैंने पूरे कॉटन के कपड़े से बनाया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये एक सीधी पट्टी ली हुई है, तो जिसकी चौड़ाई है यहाँ पर 3.5 इंच और लंबाई इसकी हमने रखी है 55 इंच। ये डबल करके रखा हुआ, तो ये 55 इंच का कपड़ा है। और सेम ये यहाँ पर एक पट्टी और लेंगे, तो इसकी चौड़ाई देखिए यहाँ पर ये 1.5 इंच है, इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और लंबाई 55 इंच ही है। तो इन दोनों को हम एक साथ यहाँ पर देखिए ऐसे ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारी सीधी साइड है और इसको हम लेंगे और डबल करेंगे। डबल करने के बाद में यहाँ पर नीचे की साइड ऐसे रख करके सीधी सिलाई कर देंगे। तो चलिए इसको सिलती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये सिलाई कर ली है पूरी। इसे अब देखिए कैसे हमें इसे पीछे की तरफ मोड़ना है, तो जो हमारा मार्जिंग वाला हिस्सा उसे हम ऊपर की तरफ करके यहाँ पर निशान ऐसे नाखून से प्रेस कर देंगे, तो ये अच्छे से ऊपर की साइड में बैठ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, ये हम लेस लेंगे, तो यहाँ पर लेस लगा सकते हैं, आप नहीं लगाना चाहते तो आप लेस को स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए एक लेस लगा दी, तो और भी इसका थोड़ा सा लुक अच्छा आ गया है। अब आगे देखिए क्या करना है कि यहाँ इसको जो है, हम ये 55 इंच का पूरा कपड़ा है, इसको हम 6 इंच की कमर में इस पूरे को हम प्लेट बनाएंगे। तो यहाँ पर ये प्लेट को हम इस तरह एक दूसरे पे चढ़ाते हुए प्लेट को इस तरह बनाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह। इस सारे कपड़े को हम 6 इंच में पूरा इकट्ठा कर लेंगे प्लेट डाल करके। ये देखिए, एक साथ यहाँ पर एक दो तीन, ये जितनी भी आपको कंफर्टेबल लगे उतनी उतनी प्लेट दबाते हुए चले जाना है। मेरी तो थोड़ा सा आदत सी हो गई है, तो मैं एक साथ 3-4 प्लेट बना लेती हूँ और सिल लेती हूँ। तो अगर आपको दिक्कत हो तो आप एक एक प्लेट भी बना करके सिर्फ फुट से हल्का सा दबाना है साइड में, और फिर दूसरी प्लेट बना करके फिर उसी पर हमें चढ़ा देना है इस तरह। चलिए प्लेट बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमने सारी प्लेट तैयार कर ली है। अब इसकी कमर दिखा रही हूँ ना आपको, तो ये देखिए यहाँ पर ये पूरी ठीक 6 इंच पे है, ये हमें 6 इंच ही रखनी थी, तो यहाँ पर 6 इंच ही कमर है पूरी। अब देखिए यहाँ पे पट्टी लगाने के लिए, जैसे 6 इंच की हमारी कमर है तो हम यहाँ 7 इंच की पट्टी लेंगे, हाफ हाफ इंच हम आगे और इधर साइड में दोनों साइड में बढ़ा करके रखेंगे, और डोरी को भी हम बड़ी ही लेंगे। और फिर ये देखिए, यहाँ पे चौकोर पीस लिया हुआ है मैंने, 2-2 इंच का है, ऐसे हम इस तरह तिरछा सिल लेंगे, तो यहाँ पर हमारे ये दोनों में टसल्स लग जाएंगे और डोरी हमारी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने ये डोरी तैयार कर ली है। अब यहाँ पर देखिए पट्टी को हम कैसे लगाएंगे, कि ये जैसे हमारी ये सीधी साइड है ऊपर की तरफ, पट्टी को हम नीचे की तरफ रखेंगे, हाफ इंच आगे बढ़ा करके रखा है मैंने, और इसे हम पूरी सिलाई कर देंगे इस तरह। अब देखिए यहाँ पर
इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर एक बार फिर फोल्ड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डोरी अपनी रखेंगे और रख करके इसे हम मोड़ देंगे इस तरह। अब मोड़ करके यहाँ पर सिलाई कर देंगे। डोरी के ऊपर हमें सिलाई नहीं करनी है, नहीं तो फिर डोरी हमारी खिसकेगी नहीं। अब सेम उसी तरह यहाँ आगे की तरफ भी हम मोड़ करके सिल देंगे और सिलाई को यहाँ पर हम लॉक कर देंगे ताकि सिलाई हमारी खुले ना। ये देखिए हमारी ये घेरा तैयार हो गया है और यहाँ पर ये देखिए डोरी भी हमारी आगे पीछे हो रही है, सिली नहीं है। अब चलिए यहाँ पर देखिए चोली बनाते हैं। तो चोली के लिए यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 3.5 इंच और 7 इंच की पट्टी ली हुई है और इसे हम यहाँ पर देखिए उल्टा ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब फोल्ड करने के बाद में एक सिरा ऊपर का हम यहाँ पर सिल देंगे। सिलने के बाद यहाँ इसे हम सीधा कर देंगे, ऐसे पलट देंगे। फिर उसके बाद यहाँ साइड में ऊपर की तरफ से हम थोड़ा सा 1/2 इंच से भी कम हल्का सा 2 इंच की तरफ नीचे की तरफ लेते हुए इसे हम तिरछी सिलाई कर देंगे तो हमारा ये एक साइड में थोड़ा सा पतला हो जाएगा। इसी तरह हम दोनों साइड कर देंगे और दोनों साइड का मिला करके हमारा ये 1/2 इंच रहेगा। इस तरह हम यहाँ पर तिरछी सिलाई कर देंगे। फिर यहाँ पर किनार में थोड़ा सा जो तिरछा हमने सिला था उसे काट करके निकाल देंगे यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए हम एक पट्टी लेंगे तो ये पट्टी हमारी 1.5 इंच चौड़ाई की है। इसे हम यहाँ इसमें लगाएंगे साइड में, ऐसे रखेंगे यहाँ पर डबल करके और इसे यहाँ पर सिल देंगे। ये देखिए सिलने के बाद इसे हम फिर से दोबारा एक बार मोड़ करके फिर सिलाई कर देंगे तो हमारे यहाँ पर ये पाइपिंग की तरह हो जाएगा। इसी तरह हमें दूसरी दोनों तरफ इसी तरह हमें पट्टी लगा लेनी है, पाइपिंग बना करके लगा लेनी है। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए ये लेस लगाएंगे तो ये लेस हमारा डोरी का भी काम करेगी। अगर हम लेस नहीं लगाना चाहते हैं तो जो हमने पाइपिंग लगाया हुआ है इसी को हम ऊपर की साइड थोड़ा सा बढ़ा करके रख देंगे तो ये हमारा डोरी भी साथ में बन जाएगी। तो मैं यहाँ पर लेस लगा करके इसकी ही डोरी लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं यहाँ पर मैं लेस को लगा दूँगी तो ये यहाँ पर जो सिलाई है वो भी थोड़ा हाइड हो जाएगी और जब से नीचे लगाया हुआ है तो ऊपर भी लगा देंगे तो इसका लुक भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इसी तरह हम दोनों साइड लगा देंगे। और लगाने के बाद में डोरी में हम उसमें भी थोड़ा सा टसल्स लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम उल्टे साइड यहाँ पर निशान लगा देंगे और ये देखिए जो पट्टी हमने सीधी है और ये वाला भी हिस्सा हमारा सीधा ही है, दोनों हमारी तरफ ही सीधा है। इस तरह हमें इसे रखना है और इधर दूसरी तरफ से देखिए दोनों हमारी तरफ उल्टा रखा हुआ है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसी तरह हमें यहाँ पर इसको बीचों बीच रख करके सिलाई करनी है। वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो अगर आप स्किप कर देंगे तो कोई ना कोई स्टेप आप भूल जाएंगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ये मैं अपने 7 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बना रही हूँ तो ये 6 नंबर को भी आ जाएगी। तो ये यहाँ पर ये 6 और 7 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस है, आप इसको बनाइए और अपने कान्हा को ज़रूर पहनाइएगा। ये देखिए यहाँ पर ये चोली भी तैयार हो गई, लग गई है। ये चोली हमारी नेपी का भी काम करेगी। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको पहना करके दिखाया था। अब देखिए यहाँ पर हम कैप बनाएंगे तो कैप के लिए यहाँ पर देखिए 3.5 इंच मतलब 3.5 इंच और लंबाई इसकी हम 12 इंच लेंगे। 3.5 इंच चौड़ाई और 12 इंच लंबाई का ये सीधी पट्टी ले लिए हैं। अब इसे देखिए हम 1 इंच से थोड़ा सा कम यहाँ पर
मोड़ देंगे, मोड़ करके यहाँ पर सिलाई कर देंगे। ये यहाँ पर हमने इसे सिल दिया है। अब यहाँ पर देखिए हम लास्टिक ले लिए हैं, तो लास्टिक नाप करके दिखा रही हूँ यहाँ पर कितनी है। तो इसकी देखिए लंबाई लास्टिक की हमने यहाँ पर 6 इंच ली है। हमने 12 इंच का कपड़ा लिया हुआ, तो 6 इंच की हम यहाँ पर लास्टिक लेंगे। अब लास्टिक को हम आगे यहाँ पर सिल देंगे थोड़ा सा कॉर्नर पे। और सिलने के बाद हम लास्टिक को देखिए खींचते हुए पूरे कपड़े में यहाँ पर लगा लेंगे। जितना हमारा ये है पूरे में इसी तरह खींच करके हम लगा देंगे, तो ये यहाँ पर हमारी आगे की तरफ हमें चुन्नट मिल जाएगी, तो फ्रिल बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है इस तरह। अब इसे पलट देंगे, पलटने के बाद यहाँ पर साइड में हम सिलाई कर देंगे। सिलने के बाद यहाँ पर देखिए हम सुई धागा लेंगे, और सुई धागा लेने के बाद में ये पूरे गोल राउंड में हम कच्चा कर देंगे। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट भी करिएगा। अगर आपको इसमें से कोई ड्रेस पसंद आती है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना नंबर दे रखा है। तो वीडियो व्हाट्सएप पे आप मेरे से ये ड्रेस परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। ये देखिए यहाँ पर इस तरह हम इसको सिलने के बाद खींच देंगे। अब खींचने के बाद फिर यहाँ पर हम लपेट करके यहाँ गांठ लगा देंगे। और ये ऊपर थोड़ा थोड़ा जो एक्स्ट्रा है तो उसे हम काट करके निकाल देंगे। देखिए हमारी कितनी सुंदर सी कैप बन करके तैयार हुई है। स्टार्टिंग में ही मैंने कान्हा जी को पहना करके दिखाया था। फ्रेंड्स, आप भी बनाइए और अपने कान्हा को पहनाइए। बहुत ही सुंदर ड्रेस है गर्मियों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।